हाय, मेरा नाम सुनील है। आई एम ओनर ऑफ द एजीसेल इंडिया प्राइवेट लिमिटेड। सो आज मैं बात करने वाला हूँ मेरे जो 400 कस्टमर है 400 स्टार के बारे में। सो आज हम आए हुए हैं एमथीएम में। सो एमथीएम में पता करेंगे कि 400 स्टार क्या है, जो मेरे कस्टमर है 400, आज हम बात करेंगे सिर्फ उसके बारे में। तो आइए चलिए हम पता करते हैं। हाय समित जी, हाउ आर यू? आई एम गुड, डूइंग गुड। आपको पता था सुनील तक आने वाले हैं? नहीं, बिल्कुल भी आइडिया नहीं था। आइए प्लीज। सो प्लीज बैठो। थैंक यू। ईजी से लेकर आए आपके लिए बहुत सारे अमेजिंग ऑफर्स। तो अगर आपको अपने सपनों का घर लेना तो आज ही हमारी वेबसाइट easysale.in पर जाके सर्च करो, अपने सपनों का घर बुक करें। So, समीर जी, थोड़ा सा एक बार अपने बारे में बताएंगे। हाँ, मेरे दर्शक बहुत ज्यादा आते हैं आपको। मेरा नाम समीर कुमार है और मुझे 11 साल हो गए रियल एस्टेट में। मैंने जो अपना सफर स्टार्ट किया था 2013 जून के महीने में, और मेरा करियर स्टार्ट हुआ था प्रॉप टाइगर रियल्टी प्राइवेट लिमिटेड कंपनी के साथ। तब से मैं उसके बाद काफ़ी कंपनी जैसे कि टाइम्स ऑफ इंडिया का मैजिक ब्रिक्स, सिल्वर ग्लेड्स, बेस्ट टेक, टाटा हाउसिंग, और आज मैं एमथ्रेम में काम कर रहा हूँ। सो एमथ्रेम में कैसा लग रहा है वैसे आपको? सच बताऊँ तो एमथ्रेम इज अमेजिंग कंपनी। जो लोग काम करना चाहते हैं तो उनके लिए बेस्ट प्लेस है, ग्रोथ को लेके भी, सीखने को लेके भी। मैं बोलूँ रियल इस्टेट की एक यूनिवर्सिटी है जहाँ डेफिनेटली किसी को, हर किसी को काम करना चाहिए अगर वो रियल इस्टेट में इंटरेस्टेड है काम करने के लिए। सो समित जी, मुझे ना थोड़े से तीखे सवाल भी करने थे आपसे जी। सो जस्ट लाइक एमथ्रेम के बारे में थोड़ा जानना था, एमथ्रेम कौन कौन से नए प्रोजेक्ट लेकर आ रहा है और एमथ्रेम की वर्थ वैल्यू आज तक क्या रही, तो थोड़ा सा एक ब्रीफिंग दे देंगे आप? बिल्कुल। एमथ्रेम की ब्रीफिंग देने से पहले मैं आपको थोड़ा सा इसका एमथ्रेम की फुल फॉर्म बता रहा हूँ। एक्जेक्टली, वो जरूरी है कि हम किसके बारे में क्या बात कर रहे हैं। एक्जेक्टली, कि आप ब्रांड किस विजन पे स्टैंड करती है। तो सबसे पहले, जो काफी लोग नहीं जानते फुल फॉर्म, तो मैं आपको बता दूं इसकी फुल फॉर्म है मैग्निफिसेंस ऑफ ट्रिनिटी मैन मटीरियल्स एंड मनी, है ना। और अगर मैं बात करूँ, ओवर 3000 एकड़ प्राइम लैंड बैंक है एमथ्रेम के पास, और 15 साल अभी एज ए डेवलपर काम कर रहा है एमथ्रेम। और दोनों ही सेगमेंट में रियल एस्टेट की, चाहे वो रेजिडेंशियल हो, इसमें आप काफ़ी कॉन्डोमिनियम्स आप देखने को मिलेंगे आपको एमथ्रेम के, और दूसरा कमर्शियल में, चाहे वो मिक्स शॉप्स हो, मॉल हो, ऑफिस स्पेसेस हो, तो काफ़ी देखने को आपको मिलेंगी डेवलपमेंट्स एक्सटेंशन रोड और SPR में। और अगर मैं लोकेशंस की बात करूँ तो हमने अभी काफ़ी एक्सपेंड किया है गुड़गांव, नोएडा और पानीपत। तो आगे कहाँ का एक्सपेंड करने वाले हैं? जहाँ तक स्काई इज द लिमिट, और जहाँ मतलब गुड अपॉर्चुनिटी रहेगी एमथ्रेम, वहाँ डेफिनेटली। और लोगों को जहाँ भी लगेगा कि यहाँ पे एक स्टैंड ऑफ लिविंग हमें अपग्रेड करना होगा, तो डेफिनेटली हम वहाँ पे पहुँचेंगे। जैसे हम जब एमथ्रेम के इवेंट पे जाते हैं, वहाँ पे बात होती है, तो वहाँ पे ना तीन कैटेगरी दी गई है आई थिंक। तो जैसे 1.0, 2.0, 3.0, तो मतलब क्या है उनकी, उसकी वर्थ वैल्यू कितनी सेल की हमने, और आगे 3.0 में हम लोग कितने करोड़ रुपए की सेल करने वाले हैं, उसके बारे में थोड़ा सा। जैसे मैं आपको बताऊं, 2010 से लेके 2017 जो सेल, टोटल सेल हुई थी एमथ्रेम की, वो थी 15,000 करोड़ की। ओके। और 2017 से लेके 21 तक सेल हुई 25,000 करोड़ की। Okay. और अभी जो हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं 2022 या 23 से 24 एंड तक 1,00,000 करोड़ की। Okay. तो हम जब ये टारगेट लेके चल रहे हैं तो डेफिनेटली हमारा प्रोडक्ट सेगमेंट भी उसी लेवल पे है। उसी लेवल पे डेफिनेटली, बिल्कुल। सो आई थिंक आप ग्वालविल देख रहे होंगे। डेफिनेटली। सो एक बार ग्वालविल के बारे में थोड़ी सी और अच्छी सी बातें कर लेते हैं। तो आई थिंक मेरे दर्शक भी बहुत ज्यादा जानना चाहते हैं ग्वालविल के बारे में, क्योंकि ये लोकेशन है, एक ऐसी लोकेशन है जिस टाइम आई थिंक मुझे पता चला था एमथ्रेम में जो बीच में हमारा जो रोड है उसके बीच में पहाड़ी एक रावली आ रही थी जिसको कटवा दिया, जो जो कि परमिशन नहीं मिल रही थी, परमिशन लेके आए फिर प्रॉपर तरीके से रोड बना। तो अरावली बनने से पहले और बनने के बाद ग्रोथ क्या है 79 सेक्टर की? आप अगर आज देखें जो प्राइसेस, जिस हिसाब से आप मार्केट के प्राइसेस देखेंगे, तो बेसिक सेलिंग प्राइस आपको मार्केट में दिखने को मिलेगी 17,000, 18,000। हमारे लोकेशन के आसपास 22,000 से 28,000 की ट्रांजेक्शन ऑलरेडी काफ़ी कंपनीज कर रही हैं। जैसे मैं भी देख रहा था कि जैसे शोभा 25-24-25 हजार पे लेके आया है, DLF परवाना आई थिंक 20,000 के रेट पे लेके आया है, कॉन्सेंट डामजी प्रोजेक्ट आ रहा है वो भी 18-19 हजार के रेट पे लेके आ रहा है। इसके बाद एक प्रोजेक्ट आया था गोदरेज का, वो भी अप्रोक्सीमेट 15-16 हजार रुपए पे उन्होंने हासिल की है। गॉल्फ फील्ड को लेके कहाँ तक हमारा टारगेट है कि
पर मैं देख रहा हूँ हर 15 दिन में एक रेट वाइज हो जाता है, तो क्या है उसका राज, वो जानना चाहता हूँ। एमथ्रम की बात नहीं है, अगर आप मार्केट का देखेंगे तो आपको मैं जस्ट बता दूं, जिस लोकेशन पे आज हम गोल्फिस लेके आए हैं, आज से 4 साल पहले वहां का प्राइस एवरेज प्राइस 5,500-6,000 रुपए एग्जैक्टली है ना। तो काफी बिल्डर्स वहां बेच रहे थे 6,000-7,000, और शायद चैलेंज भी था काफी लोगों के लिए, 7,500 भी बेचना एक चैलेंज था, बहुत बड़ा चैलेंज। एंथ्रम के आने के बाद उस लोकेशन के आज प्राइस आप खुद देख लें कि क्या प्राइस राज क्या है, मतलब जहां एंथ्रम जाता है एकदम से बूम फट जाता है, मतलब एवरी प्रोजेक्ट के रेट वाइज हो जाते हैं, ऐसा क्या है? मैं आपको जस्ट बड़ी फ्रेंडली आपसे बात करूं तो एंथ्रम ही नहीं कर रहा, ये पूरी मार्केट का ही डिमांड और सप्लाई का ये चेन है। आज डिमांड ज्यादा है, सप्लाई कम है, तो यही एक मेन रीजन है कि प्राइसेस का बूम होना। तो आज देखिए एक नया बिल्डर भी अगर आज मार्केट में आ रहा है तो 17,000-18,000 के प्राइस पे लॉन्च कर रहा है, क्योंकि जमीन भी काफी कॉस्टली हो गई आज। आपके हिसाब से मैं अगर आपके पर्सनल व्यूज पूछूं तो ये रेट कहां तक जाने वाला है? देखिए आज मैं आपको जस्ट बता दूं कि आज अगर सबसे महंगी प्रॉपर्टी जो गुड़गांव में आज ट्रांसैक्शन जिस प्राइस पे हुई है, चाहे वो 80,000 या 90,000 है, तो वो पोटेंशियल है इस एरिया के लिए। आने वाले टाइम पे आपको ये प्राइसेस मिलेंगे पूरे गुड़गांव के। तो मतलब आप कहना चाह रहे हो कि अगला न्यू गोल्फ कोर्स एक्सटेंशन रोड ये प्रॉपर अगर बन जाता है तो इसके प्राइस अच्छे खासे लेवल पे जा सकते हैं, के प्राइसेस आपको ये देखने को मिलेंगे। ओके, तो गुड़गांव में जो अभी द्वारका एक्सप्रेस वे बना है उसकी कनेक्टिविटी को लेके इसको क्या देख रहे हैं आप? आप देखिए ना, आज की बात करें, मैं ये भी नहीं बोलूंगा कि प्रपोज्ड कनेक्टिविटी है। आज हम 84 मीटर वाइड रोड पे हमारा अप्रोच रोड है और वो वेल कनेक्टेड है एसबीआर के साथ, एसबीआर वेल कनेक्टेड है द्वारका एक्सप्रेस वे के साथ। तो हम आज हर मेजर रूट से कनेक्टेड है, चाहे वो केएमपी से बात करें, आप द्वारका एक्सप्रेस वे की बात करें, आप दिल्ली मुंबई एक्सप्रेस वे की बात करें, आप नेशनल हाईवे की बात करें, हम चारों ही मेजर रोड के साथ 10 मिनट के अंदर हम किसी भी रोड से कोई वेल कनेक्टिविटी। और एक चीज मैं आपसे और फ्रेंडली बिल्कुल फ्रेंडली आपसे बात करना चाहूंगा कि कोई भी रेजिडेंशियल सिर्फ 4 पॉइंट पर आधारित होता है। पहला पॉइंट आता है उसका, मैं ये क्वेश्चन पूछने वाला था आपसे, सो आपने पहले इसका आंसर दे दिया। तो ऐसे कौन से 4 पॉइंट है जिससे सिर्फ कस्टमर उन 4 पॉइंट को देख के अपनी प्रॉपर्टी पाएगा? सिर्फ वो 4 पॉइंट है, ये पूरे हिंदुस्तान में, अगर मैं बोलूं मैं पूरे वर्ल्ड की तो नहीं बात करता, पर हिंदुस्तान में एटलीस्ट कहीं भी, चाहे आप गांव में लो, ये 4 पॉइंट लगेंगे उस प्रॉपर्टी को, कहीं भी उस प्रॉपर्टी को उस 4 पॉइंट पे रख दो, आपको पता चल जाएगा, आप कंपेयर कर सकते हैं कि ये प्रॉपर्टी मेरे इन्वेस्टमेंट के लिए या फिर मेरे रहने के लिए अच्छी है नहीं। पहला पॉइंट आएगा जो प्रॉपर्टी आप ले रहे हो उसके सामने वाली रोड, जिसे हम अप्रोच रोड बोलते हैं, जितनी ये वाइड है उतनी ये बेहतर है, बिल्कुल ठीक। पहला पॉइंट। दूसरा आएगा ये जितनी जल्दी आपको कनेक्ट कर देती है मेजर रोड के साथ। छोटा शहर हो तो मेन रोड होता है जिसको हाईवे, जनरली हाईवे मिलेंगे आपको, पर बड़ा शहर है तो यहाँ पे 4 मेजर रोड है गुड़गांव में, जैसे मैंने आपको बताया दिल्ली जयपुर हाईवे, दिल्ली मुंबई एक्सप्रेस वे, द्वारका एक्सप्रेस वे, केएमपी एक्सप्रेस वे, ठीक है। अब चारों ही रोड अगर आप कनेक्टेड हैं 10 मिनट के अंदर अंदर कनेक्टेड, तो दूसरा पॉइंट है ये, दूसरा ये एक बहुत बड़ा पॉजिटिव यूएसपी पॉइंट है। तीसरा पॉइंट आएगा इंफ्रास्ट्रक्चर आपके सराउंडिंग में। एक आज एक फैमिली अगर एक घर पे शिफ्ट होती है तो सबसे पहले रिक्वायरमेंट क्या होगी? शॉप्स, कुछ खरीदना होगा तो शॉप्स से चाहिए, कुछ ज्यादा बेहतर चीज खरीदनी होगी मॉल्स होंगे, बच्चे हैं स्कूल्स, वैरायटी ऑफ स्कूल्स, चाहे वो प्राइमरी हो, सेकेंडरी स्कूल हो, उसके बाद आपका हॉस्पिटल्स हो, और सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट जो आज गुड़गांव अगर मैं बात करूं एक्सपोनेंशियली जो ग्रो कर रहा है वो सिर्फ और सिर्फ जॉब अपॉर्चुनिटीज की वजह से कर रहा है। आज अगर लोग अगर 8% के हिसाब से अगर बढ़ रहे हैं हर साल, तो सिर्फ और सिर्फ जॉब अपॉर्चुनिटीज या बिजनेस अपॉर्चुनिटीज। तो आज आप देखेंगे जहां भी जॉब हब होगा उसके नजदीक के जितने भी रेजिडेंशियल प्रॉपर्टीज होंगे वो एक्सपोनेंशियली ग्रो कर जाएंगे, बिल्कुल ठीक बात है ना। तो पहला पॉइंट, और आप देखेंगे कि गोल्फ हिल से, तो मैं आऊंगा उस पर भी कि कैसे गोल्फ हिल इज द बेस्ट ऑप्शन टू इन्वेस्ट। और चौथा पॉइंट आएगा प्रॉपर्टी, अब चाहे वो आप कंसिडर करो ब्रांड को, चाहे वो कॉन्सेप्ट को या प्राइसेस को, वो सब चीजें उस फोर्थ पॉइंट पे आ जाएंगी। फोर्थ पॉइंट, तो मेरे जो दर्शक हैं जो हमें देख रहे हैं वो उनका सबसे पहला क्वेश्चन मेरे हिसाब से यही आने वाला है कि हम गोल्फ हिल क्यों खरीदें, नियर टू सराउंडिंग में तो अच्छे अच्छे प्रोजेक्ट्स हैं। और मैं थोड़ा सा और ब्रीफ चाहूंगा कि 79 सेक्टर के आसपास के लोकेशन ऐसे क्या बड़े मेजर स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स है, गोल्फ कोर्स है, कर्मा लेक है, तो इनके बारे में और थोड़ा सा ब्रीफ देंगे, आसपास में कितनी दूरी पे हैं सबसे इनसे, मतलब अच्छा एक अच्छा क्वेश्चन हो रहा है कि आसपास में होने के क्या कारण है। सबसे पहले मैं 4 पॉइंट पे ही अगर बात करूं तो पहला है गोल्फ हिल्स इकलौता प्रोजेक्ट है 79 एक्सैक्ट, जिसका अप्रोच रोड 84 मीटर वाइड रोड है जी, 60 मीटर 12 मीटर की सर्विस रोड, तो उसका मेन गेट जो मिलेगा आपको 84 मीटर। दूसरा पॉइंट, हर मेजर रोड चाहे वो केएमपी एक्सप्रेसवे हो, चाहे द्वारका एक्सप्रेसवे हो, हाईवे हो, दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे हो, 10 मिनट के अंदर आप किसी भी रोड पे कनेक्टेड हो जाते हो। तीसरा पॉइंट आएगा, जैसे मैंने बताया कि अगर आप गुड़गांव का मास्टर प्लान देखेंगे तो सबसे बड़ी कमर्शियल बेल्ट पूरे गुड़गांव की 81A से लेकर 99A तक,
और अगर आप देखेंगे 74, 75 और ये आपके एक्सटेंशन रोड पे सबसे बड़ी बेल्ट है जी। तो इस बेल्ट पे कमर्शियल एक्टिविटी सबसे ज्यादा होगी पूरे गुड़गांव में जी। और आज मैं जॉब हब की बात करूँ, साइबर सिटी 2 जो यहाँ से 4 किलोमीटर डिस्टेंस पे आपको मिलती है, उसे सेक्टर में आ रहा है 74 या 75 सेक्टर पे। और इवन 75 सेक्टर में अभी भी रिसेंटली 3 महीने पहले एयर इंडिया ने भी 6.5 लाख स्क्वायर फीट का स्पेस ले लिया है अगले 30 सालों के लिए। BMW ट्रेनिंग सेंटर ऑलरेडी रनिंग है, 30 मई 2024 को उद्घाटन है AMX ऑफिस का है ना। तो आज शायद 28th है और मतलब 2 दिन बाद ये भी ऑपरेशनल हो जाएगा। इसके अलावा और भी कंपनीज जिनके नाम शायद हमें नहीं पता होंगे पर अच्छे लेवल पे काम कर रही है, जैसे मैंने सुना है MR के पास SEO से लेकर है MR साथ में रेडी टू मूव में अगर देखें हम DLF कॉर्पोरेट ग्रीन बना हुआ ऑलरेडी काफी कंपनीज यहां रन कर रही हैं। तो यही लोग जो होंगे एंड इन्वेस्टर्स को रिप्लेस करेंगे, तो यही लोग चाहे रेंट पे रहेंगे, यही लोग प्रॉपर्टी खरीदेंगे। तो 4-5 किलोमीटर के रेडियस में हर कोई चाहता है कि उसके ऑफिस के नजदीक घर हो, तो डेफिनेटली वो एक पोटेंशियल है रेजिडेंशियल मार्केट की इस एरिया की। और दूसरा मैं पॉइंट आपको और बता दूं, अच्छा 2 पॉइंट तो ये हो ही गए, इसी में एड ऑन और कर देता हूं मैं कि यही एरिया को प्रेफर करना चाहिए। तो सबसे पहले कि इसी रोड पे 2 बहुत बड़े डेवलपर नॉर्थ इंडिया के एक ही रोड पे तो ये एडवांटेज है एक जी है ना। और डेवलपर और एक बिल्डर में बहुत बड़ा, मैं कंट्रोवर्शियल चीज बोल रहा हूँ, एक बिल्डर और एक डेवलपर में एक फर्क होता है। डेवलपर एक शहर बनाने के मकसद से आता है किसी भी लोकेशन, बिल्कुल ठीक, और बिल्डर एक कम्युनिटी या कॉन्डोमिनियम बना के एग्जिट करता है। तो दो डेवलपर जो एक शहर बनाने के जिनका हमेशा विजन रहा है कि इस एरिया को डेवलप करना, जो सब ब्रांड्स को लेके आएंगे, सब ब्रांड को तो एक ही रोड पे दोनों डेवलपर हैं, तो ये बहुत बड़ा एडवांटेज पॉइंट है ना। तो ये तीसरा पॉइंट था। और चौथा पॉइंट आएगा कि गोल्ड फील्ड्स क्यों, गोल्फ इस एरिया में भी क्यों गोल्फ फील्ड्स प्रेफर करें। तो आपको मैं जस्ट बता दूं, आप गुड़गांव में कोई भी गोल्फ थीम प्रॉपर्टी आप देख लो, ये सोच लो वो सबसे एक्सपेंसिव प्रॉपर्टी होगी अपनी लोकेशन मेरी नजर में। तो आई थिंक पहला गोल्फ स्टेट, दूसरा कैमेलिया, कोई भी प्रॉपर्टी गोल्फ थीम प्रॉपर्टीज है। तो आप ये अंदाजा लगा लो, अगर मैं 24 एकड़ का गोल्फ अगर आपको सेंट्रल ग्रीन पे दे रहा हूँ तो इसकी प्राइस क्या जाएगी। ये प्राइस हम डिसाइड नहीं कर रहे, ये डिसाइड मार्केट डिसाइड करेगी। ओके अच्छा, एक इसी में क्वेश्चन और पूछना चाहूंगा कि ये जब गोल्फ जो प्रोजेक्ट जब लॉन्च हुआ था इसका रेट 9000 रुपए था, एकदम से ऐसा क्या हुआ कि एकदम से 15-16 हजार 17 हजार पे एक साल में पहुंच गया, क्या रीजंस रहे उनके। सर मैं अगर आपको एक चीज बताऊं कि अगर कल को सारे मार्केट में अगर हर अपार्टमेंट 25,000 रुपए पर स्क्वायर फीट बिकेगा तो आपको क्यों आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि हम अपना प्रॉपर्टी 16,000 या 15,000 बेचे, वो भी 25,000 में बेचे। मार्केट डिमांड के हिसाब से प्राइस होता है। अगर मुझे आज पता चल जाए मेरे फोन की कीमत 1 करोड़ रुपए, मैं क्यों नहीं बेचूंगा। तो सर ये मार्केट डिसाइड करती है, ये हम डिसाइड नहीं करते। अगर वो मार्केट की एक्सेप्टेंस है प्राइस को लेकर तो डेफिनेटली भी हर कोई चाहता है कि एक प्रॉफिट मार्जिन रहे हर डेवलपर, ताकि हम और ग्रो कर सके और बेहतर तरीके से हम डिलीवर कर सके प्रोडक्ट को। बिल्कुल। और जो गोल्फ फील्ड जब आज हमारा रेट 15,000 के आसपास का ट्रेड कर रहे हैं, तो अब क्लाइंट मतलब जितने इन्वेस्टर या एंड यूजर है अब उनको कहां तक लग रहा है, आप क्या बोलना चाहेंगे कहां तक रेट चला जाएगा जो आज खरीदे और कहां तक जा सकता है। सर आज भी अगर मैं बात करूं, आज हम 15,000 की लेके चलते हैं, 15,500 ऑल इंक्लूसिव भी करा हुआ, और इसके अलावा हमारे जो भी कंपैरिजन कोई और प्रॉपर्टीज है 25,000 में बेच रहे हैं, 22,000 में बेच रहे हैं। मैं ये बोल रहा हूँ अगर मेरा प्राइस वहां भी अगर आ जाता है, मैं तो ये बोल ही था कि मेरी प्रॉपर्टी बेस्ट है, मेरा प्राइस वहां भी पहुंच गया तो कैसा अप्रिसिएशन रहेगा 1-1.5 साल में। मेरी प्रॉपर्टी बेहतर है उनसे, डेफिनेटली है, उस चीज में कोई दो राय है नहीं, पर वो भी प्राइस अप्रिशिएट करेगा। अगर हम 22,000 में भी आ गए, हमारा प्राइस आ गया, तो क्या इन्वेस्टर्स को प्रॉफिट नहीं देगा। बिल्कुल देगा। एक्सैक्टली। तो आई थिंक आप सब लोगों को जो दर्शक देख रहे हैं, मेरे हिसाब से आज की डेट में इन्वेस्टमेंट करना बहुत अच्छा रहेगा। रीजन अभी इतने प्राइस रिवाइज नहीं हुए हैं, जैसे ही अगर ये जो आसपास की प्रॉपर्टी को आप देख रहे हैं जहाँ पे 15-20 हजार रुपए का रेट चल रहा है, जहाँ 25,000 का रेट चल रहा है, मेरे हिसाब से 15,000 की प्रॉपर्टी आसानी से 25,000 रुपए तक जा सकती है। तो आज इन्वेस्टमेंट करने का बहुत अच्छा ऑप्शन। बिल्कुल समित जी, मेरे को ना गोल्फ फील्ड के बारे में थोड़ा ब्रीफिंग डिटेल में थोड़ा सा आइडिया दे देना, तो हमारे जो दर्शक देख रहे होंगे उन्हें थोड़ा बहुत ऑनलाइन पता चल सके, बाकी तो हम ऑफिस में क्लाइंट जब आते हैं तो मीटिंग कर सकते हैं। थोड़ा बहुत ब्रीफिंग में बता दीजिए आप। अप्रोक्सीमेटली जो लैंड बैंक है गोल्फ फील्ड का वो 54 एकड़ है, और 54 एकड़ में 26 टावर आएंगे, जिसमें से अभी हमने जो लॉन्च किए हैं वो 16 टावर हमने लॉन्च किए हैं। तो फेज वन का जो पार्ट है वो 1 से 11 टावर हमारा फेज वन का पार्ट है, फेज टू में 5 टावर है, और बाकी जो 10 टावर है वो फ्यूचर डेवलपमेंट के लिए हमने रखे हुए हैं।
हर टावर का जो स्ट्रक्चर है जी प्लस 30 का है, फोटो तक वो टावर है, चार लिफ्ट मिलेंगी ऊपर अगर जी प्लस, आई थिंक ये उसी का मास्टर प्लान है, थोड़ा सा हर टावर पे आपको जी प्लस 30 का स्ट्रक्चर मिलेगा और फ्लोर पे चार अपार्टमेंट आपके 29th और 30th फ्लोर पे पेंट हाउस रहेंगे, दो पेंट हाउस हर टावर पे आपको मिलेंगे। ये इंटरनल जो आप देख रहे हैं लगभग अप्रोक्सीमेटली 24 एकड़ का ये गोल्फ चिप एंड पट है, तो जो क्लब एरिया है लगभग 1,00,000 स्क्वायर फीट का आपको स्पेस मिलेगा। okay. इसमें मल्टीपल एमिनिटीज आपको मिल जाएंगी और इवन हमारे पास स्पोर्ट्स अरीना, अगेन आउटडोर गेम जैसे कि बास्केटबॉल कोर्ट, लॉन टेनिस, बैडमिंटन कोर्ट आपको जैसे एक्टिविटीज। आई थिंक मैंने जैसे सुना कि 101 एमिनिटीज डेफिनेटली है जी, तो पूरे प्रोजेक्ट के अंदर आपने सारी जगह डिवाइडेड किया हुआ है। बिल्कुल बिल्कुल ओके। सो मेरे को थोड़ा सा कमर्शियल के बारे में और बताएंगे, कमर्शियल हम कब लॉन्च कर रहे हैं और क्या चीज आने वाली है वो कमर्शियल में, थोड़ा सा आइडिया। अभी जो जो ये कमर्शियल आएगा अभी यट टू बी लॉन्च है, तो हमारी जो कमर्शियल टीम है वो डेफिनेटली उनके पास आएगा, तो अभी अभी हमारे पास प्लानिंग में आया नहीं कितना टाइम लगेगा, मे बी इस साल तक कर देंगे। ओके, तो ये जो आई थिंक जो मैं पूछना चाह रहा था, जो कलरफुल हमने जो स्टेज कर रखे हैं, जो कलरफुल डोट्स हैं, क्या है मतलब थोड़ा सा बोर्ड ब्रीफिंग में बताइए। जो कलर्स हैं ये रिप्रेजेंट करते हैं अकोमोडेशन को। ओके, जैसे कि अगर आप देखेंगे येलो कलर रिप्रेजेंट 3.5 अकोमोडेशन, तो 3 बेडरूम स्टडी के साथ। ग्रीन कलर जो रिप्रेजेंट करता है 4 BHK सर्वेंट स्टडी को रिप्रेजेंट करता है। रेड है 3 बेडरूम विद स्टडी एंड सर्वेंट क्वार्टर। ओके, आप यह डार्क ब्लू कलर देख रहे हैं ये 2 बेडरूम विद स्टडी था। ओके, आई थिंक इसमें 2 बेडरूम से लेके और 3 बेडरूम 3 प्लस सर्वेंट से लेके 4 बेडरूम तक आपको, 4 बेडरूम सर्वेंट तक आपको सारी चीजें मिल जाती हैं। अच्छा, इसमें एक आई थिंक जो 19 नंबर टावर है, हम अगर इसकी बात करें तो स्पेसिफाइड स्टैंड ऑन टावर है, स्टैंड ऑन टावर, इसके बारे में थोड़ा सा और बताएं कि क्या है, किस इसमें क्या फायदा रहेगा लोगों को सिर्फ इसी में लेने का। एक पहले चीज तो इसमें सिर्फ 4 BHK अपार्टमेंट ही है। ओके, ना तो कोई दूसरा छोटा साइज या कोई और दूसरा साइज है ही नहीं, और स्टैंड अलोन टावर है तो डेफिनेटली स्टैंड अलोन होना इसका मेजर यूएसपी नहीं है इसका, पर इसकी पोजीशनिंग अगर आप देखेंगे इसमें लॉन्ग गोल्फ व्यू मिलेगा। ओके, तो वो इसका बेटर पॉइंट है। समित जी, अभी हमने पूरी डिटेल एक बार ब्रीफिंग में दे दी है सब लोगों को, सो हमारी वीडियो में सारे जो दर्शक देख रहे हैं उन्हें अच्छे से पता चल जाएगा। अभी हमारी एक स्कीम आई हुई है 400 स्टार इस बार, क्या है सर वो, मतलब उसके बारे में थोड़ा और जानना चाहूंगा। एक्चुअली लोग पूछना चाह रहे हैं कि 400 स्टार है कौन। एग्जैक्टली 400 स्टार हमारे कस्टमर्स हैं, पहले 400 कस्टमर और पहले 400 घंटे, तो आज 28 है तो शायद हमारे पास 150 घंटे अभी बचे हुए हैं, तो आप हिसाब से लगा ले कितने दिन बचे। आई थिंक जो हमारी वीडियो देख रहे हो तो जिन्होंने बुकिंग करानी हो तो 150 घंटे के अंदर करा सकते हैं, उसके बाद ये स्कीम चेंज हो सकती है, तो प्लीज मेरी रिक्वेस्ट है जल्दी आए जल्दी पाए इस स्कीम को। ये अगली जो स्कीम का जो बेनिफिट है वो क्या है वो थोड़ा और जानना चाहिए। हमने अगर आप देखेंगे इस बार 400 स्टार, तो 400 को हमने बार बार बहुत ज्यादा इंडोर्स किया हुआ है, तो पहले सबसे पहले तो पहले 400 स्टार जो हमारे कस्टमर्स हैं, 400 कस्टमर ऑल ओवर एमथ्रम कोई भी प्रोजेक्ट अगर लेते हैं तो ये थीम आपको ये स्कीम मिलेगी, और पहले 400 घंटे, अगर आज 28 है तो आज 150 घंटे हमारे पास बचे हुए हैं, और 400 400 पर स्क्वायर फीट इसका बुकिंग अमाउंट है, तो जो भी साइज आप लेंगे वो 400 से मिलता है उसका बुकिंग अमाउंट आ जाएगा, और हमने पेमेंट को 5 इंस्टॉलमेंट में हमने इस पे डिवाइड कर दिया है, तो जो पहले 20% होगा आपको 2 महीने में कंप्लीट करना है, फिर जो नेक्स्ट 20% होगा वो 400 दिन में आपको कंप्लीट करना है, और उसके बाद जो तीसरा 20% होगा वो 800 दिन में, फोर्थ 20% आपको 1200 दिन में, और फिफ्थ 20% आपको 1600 दिन में, या फिर आई थिंक स्मूथली पेमेंट प्लान है जी, हर 400 डेज में हम 20% हम पे कर रहे हैं। और एक और कैच है इसमें कि हम इसमें हर इंस्टॉलमेंट में, पहली इंस्टॉलमेंट के बाद जो भी आपकी इंस्टॉलमेंट आएगी, हर इंस्टॉलमेंट में आपको 400 रुपए पर स्क्वायर फीट का डिस्काउंट मिलेगा। ईजी से लेकर आए आपके लिए बहुत सारे अमेजिंग ऑफर्स, तो अगर आपको अपने सपनों का घर लेना तो आज ही हमारी वेबसाइट easysell.in पर जाके सर्च करो, अपने सपनों का घर बुक करें। तो और जो फिफ्थ लास्ट जो आपकी इंस्टॉलमेंट होगी इसमें 400 नहीं, इसमें 800 रुपए पर स्क्वायर फीट आपको डिस्काउंट मिलेगा। बहुत अच्छी बात है सर, तो एग्जैक्टली आपको 2,000 रुपए पर स्क्वायर फीट का आपको डिस्काउंट मिलेगा, और मतलब आप देख ले कि हमारा जो ऑल इंक्लूसिव प्राइस एक्सक्लूडिंग GST एंड पोजीशन चार्जेस एंड रजिस्ट्रेशन स्टैंप ड्यूटी लगभग 14,900 कुछ का आपको ऑल इंक्लूसिव प्राइस पड़ता है, जो मार्केट से भी अगर आप बहुत बेहतर प्राइस में मिल जाता है। तो आई थिंक आसपास की प्रॉपर्टी, मुझे नहीं लगता कि गोल्फ जैसी जो 24 एकड़ का जो अंदर गोल्फ बना रही है उस जैसी प्रॉपर्टी के अंदर 14-15 हज़ार पे कोई मेरे को नहीं लगता कि वो चाहता। सर मैंने जैसे आपको बता ही दिया कि आप कोई भी प्रॉपर्टी आप ऐसे सोच लें जो आपके माइंड पे आ रही होगी, जो गुड़गांव में है गोल्फ थीम प्रॉपर्टी, और वो एक्सपेंसिव ना हो अपनी लोकेशन में, सो
सो ग्रेटफुल सर, थैंक यू। सो हमारे जो भी दर्शक देख रहे हैं इस वीडियो को, तो सर ने जैसे बताया 400 हमारे स्टार जो सबसे पहले कस्टमर है हमारे, तो उन सबको ये स्कीम मिलने वाली है। तो सिर्फ 150 घंटे अभी से, सो आज हम जो वीडियो बना रहे हैं उसमें सिर्फ 150 घंटे, आई थिंक ये 3 तारीख तक है मेरे हिसाब से, तो 3 तारीख तक जो दर्शक आए हमारे पास वही स्कीम को, मतलब इस स्कीम का पार्ट उठा सकते हैं। बहुत अच्छा बेनिफिट है ये एक चीज। सेकेंड, जो हमारे दर्शक देख रहे हैं, अगर आपको हमसे कोई भी क्वेश्चन पूछना है या फिर समय जिसे कोई पूछना है, आप हमारे कमेंट बॉक्स में अपना क्वेश्चन डाल सकते हैं जिसका आंसर हमारी टीम आपको दे देगी। सेकेंड, देखना ना भूले अगले एपिसोड के अंदर। सर थैंक यू सो मच, सबसे पहले तो आपने हमारा मतलब स्वागत किया यहाँ पे, सो आपने बहुत अच्छे से पूरा ब्रीफ किया। सो अगले पार्ट में, छठे पार्ट में हम ले जाएंगे और पुराने दिग्गज जो रियल स्टेट के खिलाड़ी पूरे पुराने टाइम के रह चुके हैं। सो देखना ना बोले एवरी संडे 4 PM द सुनील दत्त शो को। थैंक यू सो मच। थैंक यू।